हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीडीएसएल स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे सीडीएसएल स्टॉक में टारगेट हम लोग को क्या मिल सकता है, स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। स्टॉक में आज का क्लोजिंग आया 1455 रुपये का, जो कि स्टॉक का 6% ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो स्टॉक का पहले पास का सपोर्ट का बात करते हैं हम लोग। तो स्टॉक का पास का सपोर्ट है जो कि 1370 रुपये का लेवल, अगर राउंड लेवल पकड़ के चले तो, जो कि लेवल निकल के आता है जो कि 1350 रुपये का लेवल है। अगर स्टॉक 1350 के नीचे कैसे भी गलती से भी निकलता है तो स्टॉक एक साइडवेज रेंज में फंस जाएगा, जो कि स्टॉक को फिर से 1250 से लेके 1300 तक के रेंज में फंसा सकता है स्टॉक को, जो कि फिर से स्टॉक फिर वहाँ पे 2-3 महीना टाइम स्पेंड करेगा। उसके बाद आइदर नीचे ब्रेकआउट दे या फिर ऊपर दे, लेकिन जब तक स्टॉक 1350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे अभी आज का स्टॉक में क्लोजिंग आया 1455 रुपये का, तो हम लोग का पहला टारगेट होने वाला है स्टॉक में जो कि 1650 रुपये का लेवल है, जो कि स्टॉक में एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो हम लोग का पहला टारगेट निकल के आता है जो कि है 1650 रुपये का। अगर स्टॉक में 1650 रुपये हिट होता है, उसके बाद थोड़ा मोटा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो स्टॉक में हम लोग का दूसरा टारगेट निकल के आएगा जो कि 2000 आता है, जो कि मेरे को लगता है इजीली देखने मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया था 1300 रुपये के लेवल के पास से। फिर वहाँ से स्टॉक ने एक जल्दी से मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाया, जो कि आप देख सकते हैं इधर ये लेवल था, नियरली 1300 रुपये के लेवल से एक ब्रेकआउट आया। फिर वहाँ से स्टॉक देखेंगे एक रेंज में था 5-6 वीक, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, जो कि इस वीक ब्रेकआउट आ चुका है स्टॉक में। तो हम लोग का पहला टारगेट होने वाला है 1650 रुपये, दूसरा टारगेट होने वाला है 2000 रुपये। थैंक यू फ्रेंड्स।